नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। आज जो पूरे भारत में हल्ला बोल हो गया है ये बिल आने से, CAA और NRC, पब्लिक इतना उग्र हो गई है, हर प्रांत में हर राज्य में पब्लिक रोड पे दिखाई दे रही है। इन्हीं बातों को लेकर रिपब्लिकन सेना के अध्यक्ष आनंद राज जी अम्बेडकर के पास आए हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे इस बिल के बारे में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार जबीन, सभी भारतवासियों को, क्योंकि आज जरूरत है सभी भारतीय जनता को एकता और इस देश के खंडवाद के लिए। हमारे जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उस तरीके से हम सब लोग एक है, ऐसा एक माहौल पैदा होना चाहिए। दुर्भाग्यवश आज इस देश में जो सरकार है दिल्ली में, वो इकोनॉमी के लिए पूरी फेल्यूर हो गई है। आज देश की जो इकोनॉमी है वो ICU में गई है, ऐसे अपने बड़े बड़े अर्थशास्त्र कहते हैं। और इसकी वजह से आज लोगों का जो एक ये है लक्ष्य, वो विचलित करने के लिए ऐसे कानून बनाने जा रहे हैं। सही मायने में इन्होंने ना 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी, ना 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए, और बहुत सारी इनकी तुर्कियाँ की वजह से आज देश की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह नीचे गई है। और इसी वजह से ये आज लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए धर्म का आधार लेके ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ये बहुत गलत है। एक तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कलम 14 और कलम 15, इसमें किसी जाति धर्म के नाम पे किसी को अलगवाद करना, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आज जो ये बिल लाया है इंडियन मेजॉरिटी की तरफ से, इन्होंने पास कर दिया है, मगर अभी उस बिल को बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में यथायोग्य निर्णय लेगी, पर तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कोई योग्य निर्णय नहीं लेती, तब तक ये बिल रोक देना ही सही है। इससे जो देश का पूरा माहौल खराब हो रहा है, देश में जिस तरीके के हालात हो रहे हैं वो देख के आज 3-4 दिन से देश में पूरा मिस नॉर्थ, पहले तो नॉर्थ इंडिया में चालू हुआ, नॉर्थ ईस्ट में चालू हुआ, अब नॉर्थ में गया, फिर अभी वेस्ट में मिस महाराष्ट्र और इधर आ रहा है, फिर मुझे लगता है कि वो कलकत्ता वगैरह इसमें वेस्ट में जा रहा है। तो ये पूरे देश में ये माहौल खराब हो रहा है इस बिल की वजह से, और इसीलिए सरकार ने तुरंत ये बिल रुकाना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर कोई भाष्य नहीं आता तब तक। और ये संविधानिक है कि नहीं इसके बारे में हमारा सुप्रीम कोर्ट जब भाष्य करेगा उसके बाद ही इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो बिल लेकर आई है सरकार, इससे भारत विकास की तरफ अग्रसर होगा या विनाश की तरफ अग्रसर होगा? देखो, जब तक हमारी 5 उंगलियां इकट्ठी नहीं होती तब तक हमारी ताकत नहीं बढ़ती। आज इस देश का माहौल ऐसा पैदा किया जा रहा है कि अलगवाद धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हर एक को अलग अलग किया जा रहा है, और ये बड़ा गलत है। सभी लोगों को इकट्ठा होकर अगर हमें महासत्ता बनाए तो ये देश के सभी आम नागरिक इकट्ठा काम करने के सिवा इसके ऊपर कोई कदम उठाए नहीं, तो हम इस तरीके का माहौल रहेगा तो हम और नीचे चले जाएंगे इकोनॉमिकली। हम, मुझे मालूम है कि 2-3 साल पहले हम महासत्ता की बात कर रहे थे, आज हम लोग इतने नीचे गिर गए। IMF जैसी जो इंटरनेशनल संस्था है वो कह रही है कि इनका GDP इतना नीचे आया है कि ये बहुत सोचनीय बात है। तो ये सब देखते हुए हमारे देश की सरकार ने इसके ऊपर कोई तो उपाय करने की बजाय जो बच्चे सीख रहे हैं उनके विद्यालय में जाके, लाइब्रेरी में घुस के
बच्चों को मारना ऐसी हरकत करना ये बड़ी गैर है और इसका मैं निषेध करता हूँ। और सरकार से आपके चैनल की तरफ से ये कहता हूँ कि जो आपने बिल पास किया आपकी पूरी पार्लियामेंट में आपकी पूरी मेजॉरिटी है इसकी वजह से आपने बिल पास किया है, वो बिल का सही मायने में सुप्रीम कोर्ट से एक दफ़ा उसके बारे में भाष्य आना चाहिए, फिर लोगों को उसके ऊपर विश्वास बैठेगा। सरकार जैसे बोल रही है कि ये बिल बहुत जरूरी था, सुरक्षा की दृष्टि से देश हित में है, आपकी इस बात पे क्या प्रतिक्रिया है? नहीं नहीं, इससे कोई सुरक्षा की सवाल नहीं आता। अभी तक तो ऐसा था ये बिल की वजह से अभी किसी आदमी को किसी देश में से आए हुए शरणार्थी को इस देश में अपना नेशनलिटी देना कि नहीं देना ये सरकार के ऊपर अभी डिपेंड है। पहले वैसा नहीं था, पहले उसके पूरे कितने 11 साल में रहता है कि नहीं ऐसे लिखा जाता था और लीगल फॉर्मेलिटी थी। और अभी इस देश ने जिस तरीके का बिल लाया कि भाई हिंदू बुद्धिस्ट सिख और क्रिश्चन इनको हम वो अगर बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो और अफगानिस्तान हो तो वहाँ से वो अगर हमारे पास अभी शरणार्थी है और वो हमारे देश की नेशनलिटी मांगेंगे तो हम लोग ये उनको यहाँ के ये देंगे नेशनलिटी देंगे। मैं समझता हूँ आज देश की हालत इतनी खराब है, एक जो 30 करोड़ जनता है उनको हम खाने पीने की सही व्यवस्था नहीं कर सकते और ये बाकी के लोटे हम क्यों रहे, तो ये बारे में सोचना चाहिए। और ये जो राजनीति करना चाहती है सरकार कि यहाँ जाति और धर्म के नाम पर पोलराइजेशन कहाँ तो बंद होना चाहिए। अभी कुछ लोगों का ये मानना है जैसे कि हम लोगों के बीच से बातें उठती रहती हैं, उन्होंने ये कहा कि सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये जनता पे थोप रही है ऐसी चीजें जिससे जनता का ध्यान भटक सके और उनके मुद्दों को याद न करा सके। क्या ये ऐसी बातें सच हैं? ये बात 100% सच है क्योंकि सरकार पूरी तरह फेल्योर है। इन्होंने जितने भी आश्वासन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिए थे हर टाइम मन की बात करते रहे। मुझे आज आपके चैनल की तरफ से उनको कहना है कि अभी जन की बात जरा सुनने की आप आदत डालिए, नहीं तो इस देश में जो आज माहौल पैदा हुआ है उससे इस देश की अखंडता को खतरा पैदा हुआ और आने वाले कल में इससे और कुछ हो सकता है। इसके लिए सरकार ने सीरियसली इस मामले में सही दिशा में अपना डिसीजन लेना चाहिए और तुरंत ही बिल अभी रुकाना चाहिए। ऐसी निर्माण बाला साहब अम्बेडकर जी ने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाना ठीक नहीं है, ये जनता और सरकार के बीच की बातें हैं और जनता को ये समझना चाहिए कि इतना भी उग्र न हो कि हिंसा के तरफ अग्रसर हो, उन्हें प्रदर्शन करना है और हर हाल में इसको पीछे करना है, इस बिल को पीछे ले जाना है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं देखो, हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं करता है क्योंकि हिंसा से कोई प्रश्न अभी तक इतिहास है कि कोई हिंसा से प्रश्न छूटे नहीं। यहाँ भी जरूर रहे वो जो सत्याग्रह की विनय भंग कायदे भंग की जो प्रक्रिया थी हमारे स्वातंत्र के टाइम, उस तरीके के आंदोलन होने चाहिए, जेल भरो आंदोलन होने चाहिए, लाखों करोड़ों लोग को जेल में जाने चाहिए जिनकी वजह से इनके जेल में भी जगह नहीं हो तो इनको समझ आ जाए कि लोग हमारे अभी बहुत खिलाफ हैं। मगर ये लोग जिस तरीके का ये माहौल पैदा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आज अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के जहाँ भी सत्ता है उसमें ये ज़्यादा जोर से निदर्शन हो रहे हैं। तो इसके लिए अगर ये बीजेपी के जहाँ जहाँ रूलिंग है जिस स्टेट में उधर ही अगर ये आंदोलन है तो इसमें कहीं तो सरकार के लोगों का भी हाथ नहीं क्या ये आंदोलन में हिंसा पे उग्र करने के लिए, हिंसा में हिंसा की तरफ बढ़ाने के लिए, ये भी एक सोचने की बात है। ऐसा मुझे लगता है जिस तरीके से पब्लिक रोड पे उतर रही है सरकार, उन्हें हिरासत में ले रही है, आप ये बताइए जैसे कि इंदिरा जी के टाइम में इमरजेंसी में लोगों को उठा के बंद किया गया था उस समय और इस
CAA बिल और NRC बिल में क्या अंतर है? देखो आज इस देश में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, मगर जिस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है, हिस्टोरियन रामचंद्र गुफा जी को भी जिस तरीके से अटकाव किया बेंगलोर में, और HOD जी हो गए, योगेंद्र यादव जी हो गए और बहुत सारे लीडर्स हैं, उनको जिस तरीके से इन्होंने अरेस्ट किया है, देखते हुए ये यहाँ पब्लिक का आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनको मालूम नहीं कि पुलिस फोर्स और इसके वजह से सरकार चलती नहीं, सरकार लोगों की मर्जी के ऊपर चलती है, और ये कितना भी आवाज़ दबाने की कोशिश करे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए सरकार ने अभी, मैं इसीलिए अभी पहले का पता है कि सर अभी प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात हम लोग 5-6 साल से सुन रहे हैं, अभी जन की बात प्राइम मिनिस्टर सुनने की जरूरी है। रिपब्लिकन सेना के अध्यक्ष जी हैं हमारे साथ, इन्होंने कहा है कि सरकार अपने मुद्दों से भटक चुकी है, जो जनता पे ऐसे बिल थोप रही है, और सरकार को इसके बारे में जल्दी से जल्दी कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए जिससे पब्लिक रोड के बजाय सरकार को समझ सके। अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो सरकार की विफलता नजर आती है। इसी के साथ आपने हमारे चैनल को जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।